जनरल कैटेगरी में मिला था ईडब्ल्यूएस में 52,381 तक, ओबीसी एनसेल में 57,659 रैंक तक, एससी में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे 2,55,000, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे और इस वीडियो में आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सीसेप की बात करेंगे, सीसेप 2022 की। और इसमें भी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज की, क्योंकि आजकल आईटी सेक्टर में बहुत लोग जाना चाहते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं। तो ये मेनली जो ब्रांचेज होते हैं ज़्यादा फेमस ट्रिपल आईटीज की है, वहाँ पर हाई पैकेज देखने को मिलते हैं। ऐसे तो आईटीज में काफ़ी फेमस है, पर कुछ लोगों का आईटीज में नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो वो ट्रिपल आईटीज में जाते हैं। और कुछ ट्रिपल आईटीज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी आईटीज से भी अच्छे उसमें आपको पैकेज देखने को मिलेंगे, जो भी पूरा नया आईटीज है उससे अच्छा। तो इसलिए हम लोग ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे। और कुछ दिनों में जैसे जे एडवांस की रिजल्ट आएगी उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग सीसर की इसलिए बात करें कि जो भी आपका रैंक होगा सीसर के आधार पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस बार इस रैंक से कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अदरवाइज़ जोसा में आपका अगर रैंक ख़राब है तो आपको कॉलेज ज़्यादातर कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो आपका सीसर की एक आपका जो कट ऑफ है पिछले साल की उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको इस बार कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल पाए और अच्छे से काउंसलिंग इस साल करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड हैं और ट्रिपल आईटीज एन आईटीज की फुल कॉलेज रिव्यू वीडियोस, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी आपको कॉलेज मिलता है या फिर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसका सारा रिव्यू, मतलब फुल डिटेल रिव्यू किया गया है, तो आप विजिट करें और देखें। चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, स्पेशल राउंड 2 की बात हो रही है और ट्रिपल आईटीज की सारे ब्रांचेस सारे कॉलेज की बात करेंगे जितना भी ट्रिपल आईटीज है अभी। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें बताना चाहेंगे, जो भी इसमें रैंक आपको कंसिडर किया जाता है वो आपका सीआरएल रैंक होता है और आपका कैटेगरी रैंक सीसेप में वैलिड नहीं होता है। तो इसमें आपका जो ऑल इंडिया रैंक होता है उसके आधार पे एडमिशन मिलते हैं सीसेप में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करेंगे, इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप देख सकते हैं इधर में, और फीमेल के लिए बात हो रहा है तो यहाँ पे 12,517 रैंक तक एडमिशन पिछले साल मिला था। उस तरह से आप देख सकते हैं जेंडर न्यूट्रल ईडब्ल्यूएस में 8,752 रैंक तक एडमिशन मिले थे पिछले साल, और जेंडर न्यूट्रल की बात करें ओपन तो आपको 12,143 मतलब 12,143 रैंक तक एडमिशन मिले थे पिछले साल। वही इसमें कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे इंटीग्रेटेड का बेसिकली मतलब होता है कि दोनों कंबाइंड होते हैं, बीटेक प्लस एमटेक लाइक कोर्स होते हैं। अगर उसकी बात किया जा रहा है तो उसमें आपको फीमेल की बात करें तो 15,614 तक एडमिशन मिला था। मेनली हम लोग इसमें कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉलेज हैं, बहुत सारे आपको ब्रांच देखने को मिलेंगे। अगर सब चीज़ की बात किया जाएगा तो काफ़ी बड़ा वीडियोस हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगर ट्रिपल आई टी कोटा की बात किया जाए और इसमें भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो आप जेंडर न्यूट्रल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 22,155 रैंक तक एडमिशन मिला था। वही ईडब्ल्यूएस में 27,539 और ओबीसी एनसीएल की बात करें 29,000, एसटी की बात करें तो 1,58,000 तक एडमिशन मिला था, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर आप बात करें यहाँ पे तो जेंडर न्यूट्रल में आपको 31,644 रैंक तक और ईडब्ल्यूएस में 39,934, ओबीसी एनसीएल में 39,699 और एससी में 1,33,000 काफ़ी ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिले थे। उस तरह से अगर ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात किया जाए कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस की, तो इसमें आपको जेंडर न्यूट्रल में अगर देखें तो 23,560 रैंक तक एडमिशन मिला था, फीमेल को वही 34,000 तक रैंक मिला था। ईडब्ल्यूएस में 26,634 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 40,000, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 30,166 और ओबीसी फीमेल में बात किया जाए तो 58,000 काफ़ी ज़्यादा रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में मिला था पिछले साल। वही एससी की बात करें तो 1,15,16 रैंक तक, एससी में 1,73,000 काफ़ी ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिला है पिछले साल। उस तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही देख सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की देख रहे हैं तो पॉज करके आप इजीली देख सकते हैं। मेनली हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं और आप नेक्स्ट ट्रिपल आईटी आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटी कल्याणी देखने को मिलेंगे। इसमें कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा रैंक तक जनरल कैटेगरीज में भी मिला था, 40,528 रैंक तक पिछले साल जनरल कैटेगरी में मिला था। ईडब्ल्यूएस में 52,381 तक, ओबीसी एनसीएल में 57,659 रैंक तक, एसटी में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे 2,55,000, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है बहुत। पहले अगर बात किया जाए तो कभी कभी इतना रैंक तक तो
अगर जनरल में क्वालिफाई नहीं करते हैं, टोटल 2 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई करते हैं हर साल जेईई मेंस, और ये रैंक आपको देख लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, 2,55,000, बट यहाँ पे आपको कैटेगरी के मामले में एसटी में भी क्वालिफाई कर जाएंगे इस रैंक का, तभी एडमिशन मिला होगा। उस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देख सकते हैं, जनरल न्यूट्रल में अगर 54,000 रैंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, वो भी ट्रिपल आई डीज में बहुत ज़्यादा रैंक तक मिल पा रहा है। उस तरह से और कैटेगरीज का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिपल आई डीज की बात करें हम लोग, ट्रिपल आई टी सोनीपत, क्योंकि बेसिकली हरियाणा में, इसमें जनरल न्यूट्रल की बात करें तो 24,654 तक एडमिशन मिला था, ईडब्ल्यूएस में 31,226, ओबीसी एनसीएल में 35,919, और एसटी की बात करें तो 2,12,000, काफ़ी ज़्यादा रैंक तक आपको यहाँ पे भी एडमिशन मिले हैं। उस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आईटी की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो ओपन ऑल इंडिया कोटा से जनरल न्यूट्रल की बात करें तो 28,704 लास्ट रैंक तक एडमिशन मिला था, ईडब्ल्यूएस को 36,000 तक और ओबीसी एनसीएल को 41,000 तक मिला था, एससी को 1,47,000 तक एडमिशन मिलते पीछे साल, वही एसटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2,38,000 तक एडमिशन मिले थे पिछले साल। उस तरह से अगर अगले ट्रिपल आई टी की बात करें तो ट्रिपल आई टी ऊना है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बेसिकली है, इसमें अगर जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 28,234 रैंक तक एडमिशन मिले थे कंप्यूटर साइंस में। वही एससी की बात किया जाए जेंडर न्यूट्रल की, तो 1,17,000। नेक्स्ट ब्रांचेस जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ कैटेगरीज का इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सीसा राउंड तक उसका सीट भर के जाता है, उसके बाद उसमें नेक्स्ट राउंड में मतलब राउंड टू में उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और या फिर दोसा में फिल हो गए होंगे, टोटल बच्चे अगर चले जाते हैं वो पूरा सीट भर जाता है, तो सीसा में सीट खाली नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली सीसा में वही होता है, जो दोसा में जो सीट बच जाते हैं उन पर एडमिशन लिया जाता है सीसा के माध्यम से। तो वही आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देख सकते हैं, 40,000 तक एडमिशन मिला था पिछले साल, जनरल न्यूट्रल ईडब्ल्यूएस की 49,709 तक एडमिशन, ओबीसी का 51,000 और एससी का 1,58,000 तक एडमिशन मिला था। एससी में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थी, लगभग आप बोल सकते हैं 3 लाख तक, 2,98,000 तक एडमिशन मिला था। उस तरह से आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसमें जनरल न्यूट्रल की बात करें 31,492 तक एडमिशन मिला था ओबीसी एनसीएल, और वही पीडब्ल्यूडी कोटा में देखें तो 5,89,000 तक एडमिशन मिला था आईटी में, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ईडब्ल्यूएस में 38,000, ओबीसी एनसीएल में 43,000, एससी में 1,45,000, उस तरह से आप एससी में 2,55,000 तक एडमिशन मिले थे पिछले साल। नेक्स्ट जो ट्रिपल आईटी है वो आपका ट्रिपल आईटी सीरीज सीटी है, जो कि चितूर में, उसमें अगर जनरल न्यूट्रल की बात किया जाए तो 29,951 रैंक तक एडमिशन मिले थे पिछले साल, कंप्यूटर साइंस में पीडब्ल्यूडी कोटा की बात करें तो 7,14,000 तक एडमिशन मिले थे, ईडब्ल्यूएस में 38,000, ओबीसी एनसीएल में 42,000 और एससी में 1,52,000 तक एडमिशन मिला था, वही एससी की बात करें तो 2,47,000 तक एडमिशन मिला था। उस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस की देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिपल आई टी की बात करें तो ट्रिपल आई टी वडोदरा आपको देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात में है, अगर इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें जनरल न्यूट्रल कोटा से, यहाँ पे आपको जो एडमिशन मिला था वो 22,999 तक मिला था जनरल न्यूट्रल से। वही आप देखें अगर फीमेल की बात किया जाए तो वो पीडब्ल्यूडी कोटा में काफ़ी ज़्यादा 5 लाख तक एडमिशन मिले थे, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 32,854, वही ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 42,142, ओबीसी एनसीएल में 33,876 और फीमेल ओबीसी फीमेल 50,000 तक एडमिशन मिले थे, एससी में 1,27,000, एससी फीमेल में 1,61,000, एसटी में बात किया जाए तो 2,25,000 तक एडमिशन मिले थे। वही अगर नेक्स्ट ब्रांचेस की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांचेस की, तो 26,474 रैंक तक एडमिशन मिला था, ईडब्ल्यूएस में 33,000 तक और ओबीसी में बात करें तो 37,000 और एससी की बात किया जाए तो 1,30,613 रैंक तक एडमिशन मिले थे। एसटी में आप देख सकते हैं 2,42,000 तक एडमिशन पिछले साल मिला था। उस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल में आपको एडमिशन मिला था 11,370 रैंक तक। उस तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं जेंडर न्यूट्रल, ये जो आपका ट्रिपल आई टी है, बेसिकली ट्रिपल आई टी अलाहाबाद की बात हो रही है, काफ़ी फेमस ट्रिपल आई टीज है, मस्त ट्रिपल आई टीज, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत कम रैंक पर एडमिशन मिलते हैं इस कॉलेज में, मतलब अच्छा रैंक लाइए फिर एडमिशन मिलेगा इसमें। ईडब्ल्यूएस में 14,599 रैंक तक, वही ओबीसी की बात करें 17,431 तक, और आप देख सकते हैं ट्रिपल आई टी अलाहाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें जेंडर न्यूट्रल में तो ओनली 5,622 रैंक तक एडमिशन मिला था, ओबीसी में 10,000 तक और एससी की बात किया जाए तो यहाँ पे बस बाबा की सीट फूल हो गया था पहले। नेक्स्ट ट्रिपल आई टी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ट्रिपल आई टी कांचीपुरम, इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की अगर बात किया जाए जेंडर न्यूट्रल के लिए तो 17,272 रैंक तक मिला था,
वही ओबीसी को 37,000 तक मिला था। और साथ में बात किया जाए हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांचेस की अगर बात किया जाए तो जेंडर न्यूट्रल ईडब्ल्यूएस कोटा में आपको 23,000 रैंक तक एडमिशन मिला था, उस तरह से ओबीसी में 24,440 रैंक तक एडमिशन मिले थे इसमें। तो ये कुछ कंबाइंड ब्रांचेज होते हैं, लाइक अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 28,863 रैंक तक एडमिशन मिले थे, वही फीमेल को 34,490 रैंक तक एडमिशन मिला था। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जेन ईडब्ल्यूएस में 39,597 तक, और वही ईडब्ल्यूएस फीमेल कोटा में 50,456 रैंक तक एडमिशन मिले थे। ओबीसी एनसीएल की बात किया जाए तो आपको 38,114 और एससी में 96,000, एससी फीमेल में 1,34,000 और एससी की बात किया जाए तो 1,25,510 रैंक तक एडमिशन पिछले साल मिल चुके हैं इसमें। और इसमें आपको एक और ब्रांच देखने को मिलेंगे लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको 59,743 रैंक तक एडमिशन पिछले साल मिला था। वही फीमेल की बात करें तो 36,724 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 79,457 रैंक तक एडमिशन मिले थे, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1,45,000 और ओबीसी की बात करें तो 72,894 रैंक तक पिछले साल एडमिशन मिले थे, ओबीसी फीमेल को 1,21,000 तक, एससी की बात करें तो 1,46,000 और एससी फीमेल 1,87,000, उसी तरह से आप एसटी की बात करें तो 2,40,000 और फीमेल की बात करें तो 3,17,000 तक एडमिशन मिला था। इसमें और भी ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे लाइक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसका आप देख सकते हैं इसमें सबका अलग अलग कट ऑफ है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 72,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। अगर आपको सिर्फ ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना है अच्छे तो आपको यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट आपको 17,000 रैंक है, फिर भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएंगे। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा अगला पार्ट में हम लोग करेंगे और भी ट्रिपल आईटीज को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं तो काफ़ी बोरिंग होने लगते हैं, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको कुछ मदद मिल पाए इस बार की काउंसलिंग में, अच्छे कॉलेज आपको मिल पाए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।